शांति, जोर से बोलेंगे प्यारा। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने जगदीश भाई से एक कार्टून चित्र बनवाया था। आज भी बाबा ने कहा पूरा लिखो तिथि तारीख से, कितना समय डबल ताजधारी रहे, कितना समय सिंगल ताजधारी रहे। विजय भाई को याद होगा पहले त्रिमूर्ति निकलती थी, ज्ञानामृत नहीं निकलता था। त्रिमूर्ति ने कार्टून चित्र बनाया था कि श्री लक्ष्मी नारायण राम सीता 21 जन्म जो सतयुग त्रेता का है डबल ताज वाले थे, और उनके पीछे एक बहुत आकार की परछाई आती है माया, जब द्वापर युग में प्रवेश करते हैं और माया बड़े आसानी से पीछे से लाइट का क्रम उतारती है। द्वापर शुरू हुआ सिंगल ताज वाले हो गए, उसके बाद कलियों के अंत में जब आए तो सिंगल ताज भी उतार लिया गया, मना राजाओं की राजाई खत्म। यहां तक कि राजाओं का जो पृथ्वी पर था वो भी खत्म। अब सिर पे क्या आ गया? सिर पे क्या आया? खादी की टोपी आई, खादी की। पार्लियामेंट में कोई भी नेता बिना टोपी के कभी बैठा नहीं होता, सही है? सड़क पे चल रहे हैं जब तक सिर पे खादी टोपी है, इसका मतलब वो कांग्रेसी नेता। कभी कभी पार्टियां नहीं होती थी, एक ही कांग्रेस का राज्य, चुनाव भी आपस में ही लड़ते थे, दूसरा पार्टी एक दूसरे विरोधी नहीं होता। और फिर बाबा ने बनवाया था कि काल आता है बिल्कुल कंकाल काल हड्डी वाला, वो पीछे से गला दबाता है और टोपी उतार लेता है, गला दबा के पीछे से टोपी उतार लेता है। तो वो भी घड़ी आई, जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई तो गले दबा के उतारा, और उससे पहले भी टोपी हट चुकी जब हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी शासन में आई तो क्या टोपी लगा के बैठती? शासन सत्ता में टोपी हट गई और बाद में काल में गला दबा के सब खत्म कर दी। बाबा ने बहुत पहले ये कार्टून चित्र बनवाया था और बाबा को अव्यक्त हुए भी कितना साल हुआ, 50 साल। उसके पहले ये कार्टून चित्र था, आज प्रैक्टिकल में देखते जा रहे, जो जो बाबा ने बताया सब देखते जा रहे। पहले नहीं मानते थे कोई को विनाश होगा, सतयुग आएगा, कोई मानता ही नहीं था, लेकिन आज वो निशानी आ गई। अब धीरे धीरे भूसा के घर में अगर चिंगारी लगेगी तो एक दिन तो भूसा जलते जलते क्या होता, आज यहाँ सुलगेगा बुझा देंगे, अंदर अंदर भूसा सुलग रहा वहां बुझा देंगे, लेकिन प्रकृति को देख लो तो प्रकृति खोखली होती जा रही है, प्रकृति भी बदला लेने के लिए आतुर है। 5 तत्वों को भी हम लोगों ने क्या हाल किया सबको पता है, जो कौरव पांडव एक थाली में खाने वाले भाई भाई भारतवासी, वो क्रूरता क्या कहें, कौरव राज्य तो क्रूरता वाले हो गए। कहने का मतलब जो जो बाबा ने बताया अब वो धीरे धीरे परिस्थिति नाजुक बनने के आसार आ गए। तो जब हमारी स्थिति अच्छी नहीं होगी हम योगी नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, तो जब तक हम जाति जोत नहीं बनेंगे तो इसका सामना नहीं कर पाएंगे। और मुरली का एक बहुत अच्छा गीत आप सबने सुना होगा कि निर्बल की लड़ाई बलवान से, तो ये कहानी है दिए और पानी। तो दिया तो बहुत नन्हा है और तूफान बहुत बड़ा है, लेकिन अंत विजय किसकी हुई? तूफान की या दिए की? तूफान को भागना पड़ा और दिए की विजय हुई। पूरा कभी ये सुन लेना, तो दिए ने कितना सहन किया
दिए ने कितना सामना किया, तो क्या आज परिस्थिति आए तो हमारे पास सामना करने की शक्ति है? हमारा आत्मा का जो दिया है वो संघर्ष सहन कर लेगा। अगर अपना नहीं कर पाएंगे, छोटी भी बातों में तू तू मैं अवस्था बिगाड़ लेंगे, तो हम दूसरों के कैसे बनेंगे?